नमस्कार दोस्तों, इन दिनों OpenAI द्वारा तैयार किया गया ChatGPT यानी जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले समय में ChatGPT गूगल जैसे सर्च इंजन को खत्म कर सकता है। ChatGPT and said, give us what you think. ChatGPT आखिर क्या है चैटबॉट या ChatGPT? लेकिन इससे पहले 11 मई 1997 की इस तारीख को किसी जरूरी जगह पे नोट करके रख लीजिए, क्योंकि इसी दिन महान शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्पोरोव को डीप ब्लू नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर ने चेस के खेल में हरा दिया। यह कोई आम घटना नहीं है। कल्पना को विस्तार कीजिए और सोचिए जरा, शतरंज के खेल में कुछ नियम और कायदे जानकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हरा दिया। वहीं भविष्य में जब भी किसी हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास मानव जाति के इतिहास का सारा ज्ञान आ जाएगा जिसे हमने अपनी निरंतर उन्नति में बटोरा है, तब क्या होगा? अब हम चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। ये डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। तकनीक के क्षेत्र में हो रहे विकास नई संभावनाएं लेकर खड़े हैं। आने वाले वक्त में हम छोटे छोटे कार्य करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर होंगे, जैसे हमारे घरों की साफ सफाई, सेल्फ ड्राइविंग कार से लेकर बातचीत और सवाल जवाब करने जैसे कामों में AI शामिल होंगे। ऐसे ChatGPT की डीप मशीन लर्निंग बेस्ड चैटबॉट है। जब आप इससे सवाल पूछते हैं तो उसका यह सटीक उत्तर देता है। हालांकि कई बार ChatGPT द्वारा दिए गए उत्तर में कुछ कमियां हो सकती हैं। यह भी कहा जा रहा है इसके उत्तर में अधिकतर मामले एकदम सटीक होते हैं। यही वजह है जिसके चलते महज कुछ ही दिनों में ChatGPT पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। इस ChatGPT से आप किसी गहरे दार्शनिक सवाल से लेकर अपनी छोटे छोटे समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं। इस ChatGPT को OpenAI कंपनी ने तैयार किया। OpenAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने वाली एक कंपनी है। इसकी शुरुआत साल 2015 में इलॉन मस्क और सैम अल्टमैन ने मिलकर की थी। हालांकि साल 2018 में इलॉन मस्क ने इस कंपनी को छोड़ दिया। इस कंपनी ने ChatGPT को 30 नवंबर 2022 के दिन लॉन्च किया। लॉन्च होने के महज 5 दिनों के भीतर 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स इससे जुड़ गए। इस ChatGPT की सफलता को देखते हुए संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है निकट के भविष्य में चैटबॉट गूगल को भी रिप्लेस कर सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चैटबॉट के पास आपके हर सवालों का जवाब है। सोचने वाली बात यह है, अभी इस चैटबॉट को इंटरनेट से जोड़ा ही नहीं गया है, उसके बाद भी ये प्रोग्राम ऑफलाइन होकर आपके सवालों का जवाब दे रहा है।